जुनून गजल, गजलों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बान तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कवल, जुनून गज़ल गजल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। नाज़रीन, मैं हर्षिता गौर आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम जुनून गज़ल में इस्तकबाल करती हूँ। और इसके आगाज़ में चलिए सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि उर्दू गज़ल क्या है। उर्दू गज़ल ने अमीर खुसरू से लेकर दौरे हाजिर तक एक तवील सफर तय किया है। दक्कनी शोरा ने गजल का सांचा फारसी से लिया, लेकिन फारसी की पैरवी कम की। दिल्ली के शोरा ने महबूब की जिंस को ज्यादातर पर्दे में रखा था, लेकिन लखनऊ के शोरा ने यह पर्दा उठा दिया। गालिब, मोमिन और जौक जैसे बाकमाल शायर गजल के उफक पर नमूदार हुए। असीर, जलाल, तस्लीम और दाग जैसे शायरों ने गजल का अलम उठाए रखा। हसरत मोहानी ने गजल का अहया किया। हसरत के मासिर गजल गो शोरा फानी, अजगर, यगाना, शाद अजीम आबादी और जिगर मुरादाबादी ने गजल को नया वक़ार बख्शा। गजल को इकबाल ने नए उसलूब, नई लफ्जियात और नए मौजूआत से रूशनास किया। 20वीं सदी की तीसरी और चौथी दहाई में नए अदब की दो तहरीकें उभरी, जिन्हें हल्के अरबाब ज़ौक और तरक्की पसंद तहरीक के नाम से जाना गया। मजरू, फैज और साहिर जैसे शोरा ने गजल में सियासी ख्यालात, बगावत और इनकलाब के जज्बात के इजहार के लिए गजल की एक नई जबान तख्लीक की। दौरे हाजिर में गजल में मुख्तलिफ मौजूआत पर तबा आजमाई की जा रही है और उसे सराहा भी जा रहा है। उर्दू शायरी में दीगर असनाफ सुखन की बनिस्बत गजल गोई और गजल सराई दोनों का रिवाज ज्यादा इसलिए है कि इसे अवामी मकबूलियत हासिल है। नाज़रीन, तो इसीलिए हम आज से गजल सराय के मुकाबले का एक बड़ा ही दिलचस्प सिलसिला जुनून गजल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो तफरी तबाह तो होगा ही पर साथ ही मालूमाती भी होगा। दरअसल जुनून गजल रियलिटी शो की तर्ज का एक मुकाबला जाती प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से चुनिंदा 6 उम्मीदवार शरीके मुकाबला होंगे। और चूंकि एक मुकाबला जाती प्रोग्राम है, इसलिए जजेस का होना तो लाजिम है। यहाँ पर आए सभी फनकारों के फन को जांचने और परखने के लिए और फिर हार जीत का फैसला करने के लिए हमने दो ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो ना सिर्फ अपने फन में यकता हैं, बल्कि उनका शुमार असातेज़ा में होता है। आइए अब आपको और इंतजार कराए बगैर जजेस से रूबरू कराते हैं। तो हमारे पहले जज इस प्रोग्राम के उर्दू शेर व अदब की शान है, गजल गोई की आबरू और आन है, और हमारे प्रोग्राम की जान है। एक बहुत ही काबिल अदाकार हैं और सैकड़ों सालों से सैकड़ों फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहतरम शाने इलाही उर्फ विकास आनंद जी का। आदाब। और चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं हमारे प्रोग्राम के दूसरे जज से। ये पिछले 25 सालों से मौसीकी की दुनिया में अपना जलवा बिखेरते आए हैं, और आज कई ऐसे फनकार हैं जिस मुकाम पे वो हैं उनको पहुंचाने में इनका हाथ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर और मारूफ मोहतरम कुलराज बेदी साहब की। आदाब। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात इनसे कहूँ। इरशाद। जुनून गज़ल में एक बात है काबिले गौर, जुनून गज़ल में एक बात है काबिले गौर, इसकी नाजिम है हमारी हर्षिता गौर। जी, आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम 13 किस्तों का होगा और हर किस्त किसी मशहूर शायर के नाम मंसूब की जाएगी, और आज की हमारी ये किस्त मिर्ज़ा गालिब के नाम मंसूब है।
और जिनके कुछ अशार मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। अर्ज़े नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं उनकी हालाते ज़िंदगी पर। मिर्ज़ा गालिब उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। उनकी अजमत का राज सिर्फ उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी ही में नहीं है। उनका असल कमाल ये है कि जिंदगी के हकायक और नफ्सियात की गहराई में जाकर समझते हैं और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान कर देते हैं। मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्ला बेग खान था। आप दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। गालिब बचपन में ही यतीम हो गए थे। नवाब अहमद बख्श खान ने उनके खानदान का अंग्रेजों से वजीफा मुकर्रर करा दिया। मिर्ज़ा गालिब की पूरी जिंदगी तंग दस्ती में गुजरी, इसीलिए वो कहते हैं कि तंग दस्ती अगर न होती गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। 15 फरवरी सन 1869 में आपका इंतकाल बहालत बेहोशी हो गया। तो नाज़रीन, अभी अभी आपने मुलाहिज़ा फरमाया मिर्ज़ा गालिब के हालाते ज़िंदगी पर। अब उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मेहमान फनकार, जो मौसिकार और ग्लोकार भी हैं और जिनकी रग रग में मौसिकी बसी है। जी हाँ, बुलाते हैं जनाब हर्ष व्यास को। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए। हमने माना के तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना के तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुम खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर हो।
सर होने तक आह को चाहे एक उम्र असर होने तक आह को चाहे। तो नाज़रीन जनाब हर्ष व्यास की खूबसूरत गजल के बाद अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब उनकी बारी आई जिन्हें हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से चुनकर लाए हैं जो आपसे बेसब्री से ये कहना चाहते हैं जो हम ना हो तो ज़माने की सांस रुक जाए कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। तो लीजिए आपके सामने पेश है हमारे पहले फनकार आदित्य सिंह। मेरा नाम आदित्य सिंह गौर है और मैंने जो तालीम ली है उस्ताद सरवत हुसैन साहब से, क्लासिकल की मैंने तालीम ली है सिद्धराम स्वामी कोरवार जी से, और मुंबई में जब से मैं आया हूँ तो मैं महबूब खान साहब से सीख रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद इस लाइन में आया हूँ, इससे मैं अलग नहीं हो सकता, और अगर मैं जॉब करता तो शायद इससे मैं अलग हो जाता। जज साहबान मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इनसे चंद सवालात पूछें। आपको क्या लगता है कि गजल गायकी में या गजल सरा होने में किस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? गजल गायकी में गजल सरा होने में एक चीज़ पे आप गौर नहीं कर सकते, आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपका तलफ़ुज़ जो है, जो उर्दू के जो शब्द होते हैं उनको आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उनको बोला जाता है गज़ल में, कहाँ पर काटना है, किस शब्द को किस तरह से बोलना है, कंपोजिशन और गायकी हर तरह से एक सुकून दिखता है गज़ल गायकी में। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से गज़ल गायकी में है। आपको यकीन है कि आप कामयाब हो जाएंगे? यकीन तो मुझे इस बात का है कि मैं बस अच्छा गाऊँगा, बाकी कामयाबी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए हमारी तमाम मुबारकबाद आपके साथ पहले से। इस वक्त आप जनाब असदुल्ला गालिब की कौन सी गज़ल पेश करने जा रहे हैं? मैं गालिब साहब की गज़ल जो पेश करने जा रहा हूँ उसका मुखड़ा कुछ इस तरह है कि जब तुझे दिल से भुलाने की कसम खाई है और पहले से भी ज़्यादा तेरी याद आई है। जब तुझे दिल से भुलाने की कसम खाई है, जब तुझे दिल से भुलाने की कसम खाई है और पहले से भी ज़्यादा तेरी याद करता हूँ तो हर जख्म लहू देता है, आह भरता हूँ तो अंदेशाए रुसवाई है, आह भरता रुसवाई है। जब तुझे दिल से बुलाने कसम खाई है, जब तुझे दिल
वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। चूँकि ये तारुफी किस्त है इसलिए इसमें नंबर तो नहीं दिए जाएंगे, पर हम अपने जज साहिबान से ज़रूर पूछना चाहेंगे कि उन्हें आपकी गज़ल कैसी लगी। तो पहले हम पूछना चाहेंगे विकास जी, आपको इनकी गज़ल कैसी लगी? आपने तो रूप फूंक दिए हैं, आपके गले में जो मुझे महसूस हुआ है वो खूबसूरती है, वो अदायगी है, मुझे यकीन है कि आप आगे पहुँच जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे जज साहब के पास। जनाब आप इनकी गज़ल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। क्या बात, अभी तो आपसे तारुफ हुआ है जनाब, अभी हमारे पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आपको भी बहुत कुछ सुनाना है। अभी से कुछ कहना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन अच्छा उन लगाया आपने, उन लगाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन देखा आपने, जब जुनून गज़ल का आगाज़ ही इतना बेहतरीन है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका अंजाम क्या होगा। चलिए इसी के साथ बुलाते हैं हमारे दूसरे फनकार को, जनाब अनवर। मेरा नाम है अनवर मंसूरी, मैं मुंबई से हूँ। मेरी तालीम उस्ताद महबूब खान साहब के पास हुई है। उम्र की 10 साल से मैंने सीखना शुरू किया। गज़ल ऐसी चीज़ है कि उसमें शब्दों का महत्व होता है, अर्थ होता है, उसको सुनकर इंसान सुकून पाता है, इसलिए गज़ल बहुत बेहतरीन है। संगीत शोहरत या दौलत के लिए नहीं होता है, संगीत के बिना कोई ज़िंदगी या दुनिया नहीं है। तो अनवर साहब, जुनून गज़ल में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। और शुरू करने से पहले हमारे जज साहिबान आपसे चंद सवालात करना चाहेंगे। जी सर। आज आप किसी गज़ल सुनाने जा रहे हैं? सर मैं गालिब साहब की मैं रहे मीना रहे गर्दिश में पैमाना रहे सुनाने जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए आपकी इतने सालों की तालीम क्या रंग लाती है हम सब देखते हैं। मैं रहे मीना रहे गर्दिश में पैमाना रहे, मैं रहे मीना रहे गर्दिश में पैमाना रहे, मेरे साथी तू रहे, मेरे साथी तू रहे, आबाद मैं खाना रहे, मैं रहे मीना रहे गर्दिश में पैमाना रहे, मेरे साथी तू रहे, मेरे साथी तू रहे, आबाद मैं हश्र भी तो हो चुकी रुख से नहीं हटती नकाब, हश्र भी तो हो चुकी रुख से नहीं हटती नकाब, हद बे आखिर हद है कब तक कोई दीवाना रहे, मेरे साथी तू रहे,
बहुत खूब, क्या उम्दा गजल थी। तो देखते हैं हमारे जज साहिबान क्या कहना चाहेंगे आपकी गजल के बारे में। जी जरूर जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? अनवर साहब जी सर, आपकी आवाज में जादू है। शुक्रिया सर। और हर शेर को बखूबी अदा किया है आप, लेकिन आपने जो शेर गलत पढ़ा है वो जो पढ़ा है वो मैं सुनाई देता हूँ। जी सर जरूर। आपने पढ़ा है हश्र में हो चुकी रुख से नहीं हटती नकाब, असल में हो चुका है। जी सर। हश्र में तो हो चुका है, आइंदा ख्याल रखिएगा। जी जरूर सर, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। जी जी। गलतियाँ आहिस्ते आहिस्ते ठीक होती जाती हैं और मुझे यकीन है कि आइंदा ऐसी गलतियाँ आप नहीं करेंगे, चूँकि ये गालिब साहब की गजलें हैं। जी सर, याद रखूँगा सब अच्छे से। और बाकी मियाँ तजर्बा सब सिखा देता है, नकाब से चुकी हो या चुका हो, तजर्बा आता जाएगा, अपने आप चुकती जाएगी वो। आप बेफिक्र रहें, अच्छा गाएं, उमदा गाएं बस। शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलिए अनवर साहब, गलतियां तो होती रहती हैं, पर हमें पूरी उम्मीद है कि अगली किस्त में हमारे जज साहब को आप बिल्कुल कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। पूरी तरह से शुक्रिया। गलतियां तो होती रहती हैं, तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाते हैं अपनी तीसरी फनकारा को, मोहतरमा अनन्या बसु। मैं अनन्या बासु, मैं कोलकाता से हूँ। मैंने क्लासिकल सीखा है पंडित नोनी गोपाल बंदोपाध्याय से। मैंने उसके बाद सीखा है अभिजीत बंदोपाध्याय। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम अच्छे सिंगर, तैयार सिंगर होकर यहाँ से निकलूँ। अनन्या जी, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जज साहिबान कुछ सवालात आपसे पूछना चाहेंगे। जी। ये गजल सरा, मतलब गजल गायकी में कैसे आपका आने का मन हुआ? सर, मैं उर्दू सीखना चाहती थी। मतलब आप उर्दू सीखना चाहती थी, गजल गाना चाहती थी? ज़्यादातर उर्दू के अल्फाज होते हैं गजल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने ऐसा सुना था कि गजल में ज़्यादातर मेन ज़्यादा आगे हैं। अच्छा। तो मैं कोशिश करना चाहती थी, एक ट्राई करना चाहती थी कि मैं सीखूं। और आपके पसंदीदा सरा, आप पसंदीदा सिंगर गजल में? परवीन सुल्ताना जी। क्या बात, माशाल्लाह। गायकी के साथ साथ जो उसके शब्द हैं, जो तलफ्फुज है, तो वो भी मैं सीखना चाहती थी। गालिब साहब की कौन सी गजल पेश करना चाहती हैं? जी, मैं पेश करना चाहती हूँ गालिब साहब की, दर्द मिन्नत कशी दबाना हुआ। बहुत खूब। ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, शुरू करें। दर्द मिन्नत कशे दवाना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवाना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे Oh,
अनन्या जी, गजल के सारे ही शेर बहुत खूबसूरत थे। शुक्रिया। चलिए सीधा चलते हैं हमारे जज साहिबान के पास। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने अपनी पसंदीदा गजल सरा को सामने पेश कर दिया। शुक्रिया। और आपकी नेजल टोन है, उनकी भी नेजल टोन है। जी। और बिल्कुल बिल्कुल आपने हूबहू उनको यहाँ उतार के रख दिया। मुझे यकीन है कि आइंदा भी आप ऐसे ही गाएंगी। शुक्रिया सर। तो चलिए नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम की ये पहली किस्त अपने अंजाम तक पहुंच गई है। और आज आपने तीन फनकारों को सुना। हमारी अगली किस्त में बकिया तीन फनकार आपको अपनी गजलों से नवाजेंगे। एक बार फिर आपको बता दूं, हमारी आज की किस्त एक तारूफी किस्त थी, जिसमें किसी भी फनकार को कोई नंबर नहीं दिए गए हैं। और इसी तरह हमारी अगली किस्त भी एक तारूफी किस्त होगी, मगर हमारी तीसरी किस्त से जुनून गजल का जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला यकीनन पसंद आया होगा। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और इंतजार कीजिए हमारी अगली किस्त का। खुदा हाफिज। मन की बात है जन जन की।